मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। डकवर्थ हुकूमत का ऑन्टारियो म्यूनसिपलिटीज में मजबूत मेयर के इख्तियारात में तौसी पर गौर। मेयर को वीटो पावर भी दिए जाने का इम्कान। मेयर को महकमे के सरबराह की तकरीरियों पर कंट्रोल रखता है। बजट की निगरानी जैसे इख्तियारात हासिल होंगे। कनाडा के शहर मैनिटोबा में बस हादसा, 15 अफराद हलाक, 10 जख्मी। बस में सवार मुसाफरों में ज्यादा तादाद बुजुर्गों की थी। कैनेडियन वजीर आजम का वाकये पर अफसोस का इजहार। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक शहर में वीकेंड पर धूप निकली रहेगी। वीकेंड पर दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 79 अफराद हलाक, 104 तारिकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वालों में से एक दर्जन की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। तूफान बायपर जॉय ने भारतीय गुजरात में तबाही मचा दी। हवाओं की रफ्तार 115 से कम होकर 105 किलोमीटर फी घंटा हो गई। रेलवे ने 70 ट्रेनों को मनसूख या उनका रूट तब्दील कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत सूबे की कई दीगर म्यूनसिपलिटीज बशमूल ऑकवेल, हैमिल्टन, मिल्टन और नियाग्रा फॉल्स तक मजबूत मेयर के इख्तियारात को वसत देगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत सूबे की कई दीगर म्यूनसिपलिटीज बशमूल ऑकवेल, हैमिल्टन, मिल्टन और नियाग्रा फॉल्स तक मजबूत मेयर के इख्तियारात को वसत देगी। ओंटारियो के म्यूनसिपल अफेयर्स और हाउसिंग के वजीर स्टीव क्लार्क और सूबा या रीजन समेत मुतअद्दिद इलाकाई हुकूमतों का जायजा लेने और टोरंटो और ऑटावा से आगे मजबूत मेयर के इख्तियारात को वसत देने के लिए ऊपरी और निचले दर्जे की म्यूनसिपलिटीज़ के दरमियान किरदारों के बेहतरीन इम्तिजाज को देखने के लिए सहूलतकारों की तकरीरी में मसरूफ है। अमरीकी तर्ज के मजबूत मेयर के निज़ाम को आमतौर पर मेयर के साथ एग्जीक्यूटिव पावर की मरकजियत के जरिए निशानजद किया जाता है, जो महकमे के सरबराह की तकरीरियों पर कंट्रोल रखता है, बजट की निगरानी करता है और बाज़ औकात उसे वीटो पावर भी दी जाती है। दिसंबर 2022 में ओंटारियो ने कानून साजी पास की, जिससे टोरंटो और ऑटावा को मखसूस ज़िमनी क़वानीन नाफिज़ करने की इजाज़त दी गई, चाहे अकलियती काउंसलर्स उसके हक में हों। इस बिल को इब्तदाई तौर पर टोरंटो और ऑटावा के मेयर्स को तरजीही मंसूबों को आगे बढ़ाने और मजीद घर तेजी से तामीर करने की इजाज़त देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इख्तियारात ने उन्हें काउंसिल के बजाय अपने शहर का बजट तैयार करने और टेबल करने के साथ साथ महकमे के सरबराहों की खिदमात हासिल करने और बरतरफ करने की जिम्मेदारी भी दी। टोरंटो के साबिक मेयर जॉन टोरी ने मेयर के मजबूत इख्तियारात की हिमायत का इजहार किया। ओटावा काउंसिल ने नवंबर के आखिर में बिल की मुखालफत में वोट दिया। कनाडा में एक ट्रक और बस के दरमियान होने वाले तसादम के नतीजे में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में एक ट्रक और बस के दरमियान होने वाले तसादम के नतीजे में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो गए। हादसा विनीपैग से 170 किलोमीटर मगरिब में जनूब मगरबी मैनिटोबा में कारबेरी कस्बे के करीब दो बड़ी सड़कों के संगम पर पेश आया। बस में तकरीबन 25 अफराद सवार थे और पुलिस ने बताया कि 10 अफराद
अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती कनाडा में एक ट्रक और छोटी बस में तसादुम के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए। बस में सवार मुसाफरों में ज्यादा तादाद बुजुर्गों की थी। मैनिटोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमांडेंट असिस्टेंट कमिश्नर रॉब हिल ने कहा कि तसादुम के नतीजे में कम अज कम 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। अफसोस की बात यह है कि मैनिटोबा और पूरे कनाडा में एक ऐसा दिन है जिसे एक अलमिया और नाकाबिले यकीन दुख के तौर पर याद रखा जाएगा। पुलिस ने कहा कि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जिंदा हैं, ताहम इस बारे में तस्दीक ना हो सकी कि हादसे का जिम्मेदार कौन हो सकता है। समाजी रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उन लोगों से गहरी ताजियत का इजहार किया जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया जबकि जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ट्रूडो का कहना था कि मैं इस दर्द का तस्वुर नहीं कर सकता जो मुतासरा लोग महसूस कर रहे हैं। मैनिटोबा की प्रीमियर हैदर स्टीफन्स ने ट्विटर पर कहा कि कारबरी के करीब अलमनाक हादसे की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया है। याद रहे कि कनाडा की तारीख का बदतरीन ट्रैफिक हादसा 1997 में उस वक्त पेश आया जब सूबा क्यूबेक में एक बस खाई में जा गिरी थी जिसके नतीजे में 44 अफराद हलाक हो गए थे। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में जुमे के रोज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में जुमे के रोज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक वीकेंड पर धूप निकली रहेगी लेकिन जुमे को टोरंटो में गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। इसके बाद हफ्ते के आखिर में बेहतर मौसम आने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हफ्ते के रोज दिन के औकात में दर्जा हरारत 24 और रात के औकात में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज दर्जा हरारत दिन के औकात में 24 और रात में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। यूनान के समंदर में तारिकी ने वतन की कश्ती गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने के बायस तेज हवाओं के थपेड़ों और बुलंद लहरों का मुकाबला ना कर सकी। कश्ती का तवाजन बिगड़ा और वो उलट गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूनान के समंदर में तारिकी ने वतन की कश्ती गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने के बायस तेज हवाओं के थपेड़ों और बुलंद लहरों का मुकाबला ना कर सकी। कश्ती का तवाजन बिगड़ा और वो उलट गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनान के समंदर में तारिकी ने वतन की कश्ती उलट गई जिसके नतीजे में डूबने वाले 79 अफराद की लाशें निकाल ली गई जबकि 104 तारिकी ने वतन को रेस्क्यू कर लिया गया। वाकई की इत्तला मिलते ही फौजी तैयारे हेलीकॉप्टर और 6 कश्तियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कश्ती में 700 से ज्यादा अफराद सवार थे जिनमें से बेशतर पानी में डूब गए थे। रेस्क्यू अहलकारों ने 104 अफराद को समंदर से बाहिफाजत निकाल लिया जबकि 79 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू किए जाने वालों में से एक दर्जन की हालत तश्वीशनाक बताई गई है जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड का कहना है कि हादसा बोहिरा आयूनी में पेश आया था। कश्ती में सवार किसी भी शख्स ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। हादसे की शिकार कश्ती के तारिकी ने वतन की शनाख्त का अमल जारी है। बज़ाहिर लगता है कि तारिकी ने वतन लीबिया से इटली जा रहे थे। यूनान के सदर और वजीर आजम ने कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है जबकि सदर ने जख्मियों की अस्पताल जाकर आयादत की और उनके बेहतरीन मुआलजे की हिदायत की। एक और वाक़े में यूनान की कोस्ट गार्ड ने 80 तारिकी ने वतन को ले जाने वाली एक बादबानी कश्ती को भंवर में फंस जाने पर बचा लिया। कश्ती को खींचकर बंदरगाह लाया गया। ख्याल रहे कि यूनान तवील अरसे से अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता से यूरोप पहुँचने के ख्वाहिशमंद हजारों तारिकी ने वतन के लिए अहम लैंडिंग पॉइंट है। समंदरी तूफान बाइपर जॉय ने भारतीय गुजरात में तबाही मचा दी। तूफान के साहिली इलाकों से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान बाइपर जॉय ने भारतीय गुजरात में तबाही मचा दी। तूफान के साहिली इलाकों से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। बुहिरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान बाइपर जॉय से भारतीय गुजरात के जिला कच्छ के इलाकों जाखो और मांडवी में तेज हवाओं और शदीद बारिश से मुख्तलिफ दरख्त जड़ से उखड़ गए और मुख्तलिफ इलाकों में 3672 से ज़ायद बिजली के खम्भे गिरने से तवील दौरानिये से बिजली मुनक़ता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस रियासत गुजरात के साहिली अजला में कम अज़ कम 20 अफराद जख्मी हुए हैं जबकि 23 मवेशी भी हलाक हुए। भारतीय मीडिया का बताना है कि इस वक्त भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जबकि रेलवे ने 70 ट्रेनों को मनसूख या उनका रूट तब्दील कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक समंदरी तूफान बाइपर जॉय की कैटेगरी इंतहाई शदीद से शदीद में बदल गई है। गुजरात में हवाओं की रफ्तार 115 से कम होकर 105 किलोमीटर फी घंटा हो गई है। तूफान के बायस राजस्थान में आज शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है जबकि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है।
टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।